प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर एक बार फिर ईवीएम पर हल्ला शुरू हुआ है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग से ईवीएम मशीन के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव कराने को लेकर एक बार फिर सियासी हल्ला शुरू हो गया है। जनता की सेहत की दुहाई देते हुए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि आयोग ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से उपचुनाव कराए। दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा का कहना है कि कोरोना के संक्रमण काल के चलते ईवीएम से उपचुनाव कराना जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा, इसीलिए बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। मैंने हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र लिखा है कि मध्य प्रदेश में जो 27 उपचुनाव होना है विधानसभा के, इन्हें बैलेट पेपर के माध्यम से कराया जाए। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय भाजपा के नेतागण ये इस चुनाव को कोरोना के नाम से बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा अनुरोध है कि जब सारा राष्ट्र मांग कर रहा है कि चुनाव भविष्य के बैलेट पेपर से कराए जाएं। उधर बीजेपी फिलहाल इस मसले पर खामोश है और कांग्रेस की इस चिट्ठी का क्या संज्ञान लिया जाता है, इसका इंतजार किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।